सो गाइस, बहुत ही जल्द आपको इंडिया के अंदर पोको ब्रांड की ओर से एक जबरदस्त स्मार्टफोन देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, पोको M4 Pro आपको देखने को मिलने वाली है, जो आज की वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल में बताने वाला हूँ कब तक ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगी, किस स्पेसिफिकेशन के साथ आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिलने वाली है और किस प्राइस रेंज पर आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिलने वाली है। सारी बातें आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आई, वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर पहली आ रहे हैं इसी तरह की टेक न्यूज पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे लेटेस्ट वीडियो मैं प्रोवाइड करवाता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सो दोस्तों बात कर लेते हैं पोको M4 Pro की डिस्प्ले की, कि इसमें जो है आपको क्या डिस्प्ले देखने को मिल सकती है। तो 6.67 इंच की आपको IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, 90 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट के साथ 269 PPI की आपको पिक्सल डेंसिटी देखने को मिल जाएगी, 400 nits की आपको ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी, मतलब सनलाइट में आपको जो है डिस्प्ले देखने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। 16M आपको कलर रिप्रोडक्शन देखने को मिल जाएगी, मतलब आप मल्टीमीडिया कर रहे हैं, गेमिंग कर रहे हैं, तो कलर सेचुरेशन जो है आपको बहुत ही अच्छी इसमें देखने को मिल जाएगी, कहीं कोई कलर की जो है डलनेस आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। और डिस्प्ले की प्रोटेक्शन की बात कर ले तो गोरिल्ला ग्लास 5 की आपको प्रोटेक्शन इस डिस्प्ले में देखने को मिल जाएगी, जो कि पोको M4 Pro सीरीज में आपको देखने को मिलने वाली है। प्राइस रेंज के हिसाब से दोस्तों इसमें आपको IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। अगर इसकी प्राइस जो है अभी कंफर्म नहीं है, अगर इसकी प्राइस अधिक आती है 1000-2000 अगर अधिक आती है तो इसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, क्योंकि अभी ये कंफर्म नहीं है कि इसमें आपको IPS LCD डिस्प्ले मिलेगी या एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिलने वाली है। सो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, अभी और भी बहुत ही जबरदस्त पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस स्मार्टफोन के लिए जो आपको वेट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सो गाइस, पोको M4 Pro में जो है आपको प्रोसेसर क्या देखने को मिलने वाली है। सो स्मार्टफोन में आपको जितनी अच्छी प्रोसेसर देखने को मिलेगी उसकी परफॉर्मेंस जो है आपको उतनी अच्छी देखने को मिलने वाली है। सो इसमें जो आपको प्रोसेसर देखने को मिलेगी, मीडियाटेक डायमेंसिटी 810 की आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाएगी, नंबर ऑफ कोर आपको 8 देखने को मिलने वाली है और आर्किटेक्चर आपको 64-bit पे देखने को मिलने वाली है, मतलब फोन की जो परफॉर्मेंस आपको बेहतरीन देखने को मिलने वाली है। और गेमिंग के लिए जिसमें आपको GPU देखने को मिलने वाली है वो माली G76 की देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही बेहतरीन आपको गेमिंग एक्सपीरियंस निकाल करके दे देती है। गेमिंग परफॉर्मेंस आपको जो है बहुत अच्छी इस स्मार्टफोन के साथ आपको देखने को मिलने वाली है। अगर दोस्तों आप गेमिंग करना पसंद करते हैं तो स्मार्टफोन जो है आपको पोको M4 Pro जो है आपके लिए बेस्ट होने वाली है, और इसमें आप कॉल ऑफ ड्यूटी, पबजी, फ्री फायर जैसे हाई ग्राफिक्स गेम जो है आप इसका हाई सेटिंग पे प्ले कर सकते हैं, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, कहीं आपको लैग तक देखने को नहीं मिलने वाली है, फोन में आपको हीटिंग इशू भी देखने को नहीं मिलने वाली है। बात कर लेते हैं फोन की एंड्रॉयड वर्जन पे, तो एंड्रॉयड वर्जन 11 पे आपकी जो है ये स्मार्टफोन वर्क करने वाली है, और जो MIUI जो आपको देखने को मिल जाएगी वो आपको लेटेस्ट 12.0 की देखने को मिलने वाली है, मतलब MIUI आपको 12 की देखने को मिल जाएगी एंड्रॉयड वर्जन 11 पे आपकी स्मार्टफोन वर्क करने वाली है। फोन की स्टोरेज की बात कर लिया जाए तो आपको रैम वेरिएंट 3 देखने को मिल जाएगी, 4GB रैम, 6GB रैम और 8GB रैम। स्टोरेज वेरिएंट आपको 2 देखने को मिलेगी, 64GB और 128GB की आपको स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिल जाएगी। बात कर लेते हैं दोस्तों फाइनली इसमें आपको क्या कैमरा देखने को मिलने वाली है, तो ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें प्राइमरी कैमरा आपको 50MP की देखने को मिलने वाली है, बाकी के 2 कैमरा जो आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और डेप्थ सेंसर जो है आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस 5MP के और डेप्थ सेंसर आपको 2MP का देखने को मिलने वाली है। फ्रंट की बात कर लें तो फ्रंट में आपको 16MP की सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए सेंसर देखने को मिलने वाली है। सो दोस्तों स्मार्टफोन की डिस्प्ले की बात हो गई, प्रोसेसर की बात हो गई, कैमरा की बात हो गई और यहाँ तक कि दोस्तों इसमें आपको क्या स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिल रही है, सभी के ऊपर में जो है बात हो चुकी है। अब दोस्तों इसमें आपको क्या बैटरी देखने को मिल रही है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्मार्टफोन के लिए, कि जितनी अच्छी बैटरी रहेगी आपको बैकअप उतनी अच्छी देखने को मिल जाएगी। सो इसमें आपको 5000mAh की आपको बैटरी देखने को मिलेगी, जिसे चार्ज करने के लिए इन दी बॉक्स आपको 33W की फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाएगी। और जैसा कि पोको का पहले भी स्मार्टफोन आ चुकी है, पोको M2 Pro, पोको M3, M3 Pro जो है आपको देखने को मिल चुकी है, जिसमें आपको बैटरी बैकअप बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल रही है 5000mAh के साथ। इसमें भी आपको बैटरी बैकअप जो है बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलने वाली है। सो गाइस अब बात कर लेते हैं फोन कब तक आ सकती है, किस प्राइस रेंज पर आने वाली है। सो फोन जो है आपको नवंबर के मंथ में ही देखने को मिलने वाली है, आपको लास्ट नवंबर तक जो है ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों प्राइस रेंज की अगर बात कर लिया जाए तो आपको जो है एक मिड रेंज की स्मार्टफोन होने वाली है, तो जो लोअर वेरिएंट होने वाली है 4GB रैम, 64GB स्टोरेज वेरिएंट, उसकी प्राइस आपको अराउंड 14,000 होने वाली है, 13,999 में आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगी। और जो हायर वेरिएंट होने वाली है 8GB रैम, 128GB की जो स्टोरेज वेरिएंट की प्राइस होने वाली है वो आपको अराउंड 17,000 देखने को मिलने वाली है, 16,999 में आपको स्मार्टफोन देखने को
मिल जाएगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो कि दोस्तों चाइना के अंदर में आपको Redmi 11 सीरीज जो लॉन्च हुई है उसी का आपको रिब्रांड इंडिया के अंदर देखने को मिलने वाली है Poco M4 Pro के नाम से, जो कि आपको Redmi 11 की जो है रिब्रांड आपको देखने को मिल जाएगी Poco M4 Pro के नाम से। और Redmi की तरफ से जो आपको Redmi 11 T सीरीज के नाम से आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलने वाली है। सो गाइस वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। चलिए दोस्तों अब आपसे मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।